जो जोन सक्षम बा जोन योग्य बा उ आओ जगह पर। हम नेताजी के बेटा है, नेताजी के मेहरारू है, नेताजी के सार लागे नहीं तो हम आगे कहीं बैठ जाए काबिल हो जाए योग्य काबिल आदमी सब साइड रहे तो ये जोन छटपटाहट जोन बेचैनी जोन देख रहा है नेता लोग ने जी जी ये परिवर्तन अब खोज रहा बा का जनता कार्यकर्ता भी खोज रहा बा परिवर्तन। तो राजनीति में युवा विद्यार्थी के प्रवेश का ना होगी कितना दिन तक ले पूर्वक चपाट ये सब आदमी के झोरा ढूंढ दिए अपने। नमस्कार और तमाम हमने के दर्शक महानुभाव लोग के कार्यक्रम आमने सामने के आज के बहस में हम स्वागत कर रहा बानी। नेपाली कांग्रेस पर्सा के नया नेतृत्व के अभिनसर गर्मी बा पर्सा जिला में। नेपाली कांग्रेस पर्सा के जिला नेतृत्व के खातिर 16 गते अधिवेशन हो रहा बा और ओकरा पहले 14 गते महानगर पालिका के जोन अधिवेशन बा नेपाली कांग्रेस के ओकरा खातिर दौड़ धूप में बा नेता लोग और पर्सा जिला के नेपाली कांग्रेस के समग्र राजनीतिक सरगम गर्मी अभिन ठंडा मौसम में भी गरमाइल बा एकदम। और आज हमने संगे छलफल करे खातिर आमने सामने के आज के बहस में एगो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व कलम के माध्यम से चाहे प्रजातांत्रिक आंदोलन में चाहे नेपाल के पत्रकारिता के विकास के खातिर भी लंबा समय योगदान दे वाला नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में भी काम करे वाला एगो वक्ता कहल जाओ नेपाली कांग्रेस के नेता भी कहल जाओ पत्रकार भी कहल जाओ हमने के संगे बानी। और उनकरा के परिचय हमरा अगर देवे के परंतु बड़का प्रोफाइल बा उनकर नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के पूर्व सभापति नेपाल प्रेस यूनियन के पूर्व केंद्रीय सदस्य नेपाल प्रेस काउंसिल के पूर्व सदस्य ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ नेपाल बान के पूर्व महासचिव ओहिला का नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर अभिन मधेश प्रदेश कहल जाओ मधेश प्रदेश के नए वर्तमान अध्यक्ष और हाल में नेपाल पत्रकार महासंघ के उहा केंद्रीय सचिव में निर्वाचित होकर काम कर रहा बानी। और एकाएक उनकर नाम बिरगज के नेपाली कांग्रेस के राजनीतिक में अभी चर्चा में बा चर्चा में ई कारण से बा कि उहा भी नेपाली कांग्रेस के महानगर के अध्यक्ष के दावेदारी करके आगे बढ़ चुकल बानी। और सारा ई बीच में उनकर नाम सबसे ज्यादा अभी चर्चा में बा चर्चा में ऐसे बा कि पहले भी वहां चर्चा में रहल बानी अब उनका नेतृत्व मिली कि ना मिली और कितना कसक बा राजनीतिक और पत्रकारिता जीवन दुगे वो अलग अलग आयाम में वहां अपने के अनुभव खड़ा उतारे सके कि ना सके लगाए के तमाम विषय वस्तु पर हम उनकरा से आज बहस और छलफल और सीधा प्रश्न के सीधा जवाब हम लेके प्रयास में बानी। हमरा संगे बानी अपने बुझ गए हो जी दीपेंद्र चौहान जी हमरा संगे बानी। और सबसे पहले हम दीपेंद्र जी के कार्यक्रम में स्वागत करके चाहे हम अपने के आमने सामने में स्वागत बा। धन्यवाद जी। अभी नेपाली कांग्रेस पर्सा के राजनीतिक में अपने के नाम सबसे बेसी चर्चा में बा काहे कि लंबा राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी ज्यादा पत्रकारिता के पृष्ठभूमि बा अपने के एक ही बेरी अपने यू टर्न राजनीतिक में काहे अब पत्रकारिता से अपने के काम ना चलल राजनीतिक में आवे के चाहता नहीं कि अब पूरा मूड बना लेले बानी कि अब पूरा खुला राजनीति करें का अपने के नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता जाने के चाहता बिरगज के तमाम जनता के मन में ही प्रश्न बा एकरा के अपने क्लियर कर दिया बा। अब जहाँ तक चर्चा के जो बात करनी है मनोज जी तो चर्चा में तो ले वाला काम तो अपने लोगों मीडिया के लोगों को रखा थे निश्चित रूप से चर्चा उभरे वाला जो क्षमता वाला कुछ योग्यता वाला अब एक ही प्रश्न में अपने के बहुत किस्म के प्रश्न आ गए हम ओकरा के बारीकी से हम अपने के प्रश्न के जवाब देने का प्रयास करें। अब पत्रकारिता से मन उब गई वैसा बात नहीं जिला के जो वस्तु स्थिति जो बा अपने के नेपाली कांग्रेस के जो शुभेच्छु संस्था करें मैत्री संस्था करें नेपाल प्रेस यूनियन से बहुत लंबा आबद्धता है वो हमने के बाद पर्सा कांग्रेस के स्थिति जो पहले गौड़ कहल जात रहे आज के वर्तमान स्थिति अवस्था में जी उपस्थिति बहुत न्यून बा अपने के चारू क्षेत्र में विधायकी क्षेत्र में भी उपस्थिति न्यून बा कम माने जो जो स्थानीय पालिका जन स्थिति का बात देखते बने चारों संसदीय निर्वाचन में डिब्बा गोल्ड हो गई और बाद में अपने के 8 गो विधायक में 2 गो विधायक जो जीतल को बहुत कम वोट के मार्जिन से सकसपुर जी और बाद में महानगर
जी प्रदेश नंबर एक दू के मध्य प्रदेश के कहल जाओ एकमात्र महानगर। तो ओकरा बाद में देश भर में जो कांग्रेस के पोजीशन संविधान मने गिरल कांग्रेस सारा कुछ भइल ओकरा बाद में कांग्रेस की स्थिति अवस्था का है ये विषय में अपने के काठमांडू में आठ सतान मना हो जाने से आठ मना पहले हमने के बैठक निशन मने वो लगभग तीन दशक पत्रकार का कर चुकल पत्रकार साथी लोग हमने के बैठ के काठमांडू में छलफल करी सब कि जे देखी अब नेपाली कांग्रेस के जो दुर्दशा जो हो रहा बा नेपाल विद्यार्थी संघ जो नेता उत्पादन करे वाला कारखाना नेपाल तरुण दल ई सब के जो भयकुम स्थिति अवस्था बा पर समय पर महाधिवेशन नहीं के ऊपर युवा विद्यार्थी सब के राजनीति में प्रवेश नहीं के ऊपर अभी राजनीति जे बा अपने के बिचौलिया दलाल ठेकेदार बिलकिया अवैध किस्म से आर्जन कर काला व्यापारी सब पैसा दे के घुस रहा बा पॉलिटिक्स में आ राजनीति जे बा अब का हो गई कि जे अपने के पैसे वाला लोग राजनीति करी ई किस्म के एगो मान्यता स्थापित भय जाता तब जे जे जो लियाकत के बाद जो जे जे जो क्षमता के बाद अब उ लोग अपन जाके अब राजनीति करो अब तीस तीस वर्ष पत्रकारिता कर चुका बा आदमी तब कितना करी वो तो कोई छुट्टी ना अब आज के डेट में कहा है तो अपने संचालकों बानी रिपोर्टरों बानी संपादकों बानी विभिन्न किस्म के मैंने भूमिका बाहर मीडिया क्षेत्र के लीडर के भी कह सकते हैं सारा चीज बा एक बावजूद भी कोनो हमारे खातिर कोनो बड़का प्रोफाइल भी नहीं है चुन का अभी जो वर्तमान जो हमारे हैसियत बा चाहे स्टेटस बा ओकरा बनिस्पति विगन महानगर पालिका के नगर सभापति के कोनो उतना नहीं है मगर फिर भी जो भीतर से जो एगो प्रेम जो बा कांग्रेस से जी जी है ना एगो प्रजातंत्रवादी पहला के नाता से साथी भाई की सलाह सुझाव का है कि जो नगर के नेतृत्व में तू जा और तुम्हारा तो कम चुनाव चुनाव तो लड़े के बाना तो हम कहेंगे ना चुनाव कम ना करते मैंने आए वाला स्थानीय निर्वाचन को विधायक के निर्वाचन को संसद के निर्वाचन को उनमें कौन में हम इच्छुक नहीं थी तो तू पार्टी के तू बना पर्सा जिला के और महानगर के नेपाली कांग्रेस के नैया डूबत अवस्था में बा एकरा के हमनी के पत्रकारिता के माध्यम से भी ऐसे हमनी के एकरा के समीक्षा कर रहल बानी ई डूबत नैया के अपने पूरा दृढ़ता पूर्वक मन में ठान लेले बानी कि अब एकरा के ऊपर ले आवे के बा महानगर पालिका में भी बिरगज के आगामी नेतृत्व के अपने आशा लेके आगे बढ़ रहल बानी जैसा हमरा लगता का अब महानगर पालिका के अपने के नेतृत्व में बिहान चुनाव जीते सके इहो बात एकदम एकदम हमर का बा कि एगो दिमाग से क्लियर हटा देवे पड़ल कि महानगर के कोनो इलेक्शन हम ना नहीं लड़े जे जनता द्वारा निर्वाचित कोनो खातिर हम नहीं लड़े जाते पार्टी के जो संगठन जो बा संगठन के नेतृत्व में हम जाए के प्रयास करता नहीं ताकि बोली बिहान के दिन में महानगर हमने के कब्जा कांग्रेस के कब्जा में रहो चारों क्षेत्र के निर्वाचन जीतो विधायक जीतो अधिक से अधिक पालिका में हमने जीती सन एगो मैकेनिज्म तैयार करे कतरा हम मने एमे आवे के प्रयास करता नगर के नेतृत्व लेवे के प्रयास करता जी अपने के पार्टी में एगो और तमाम लोग एगो कहला कि नेपाली कांग्रेस के भीतर बहुत बड़का गुट उपगुट के राजनीतिक होला एगो गुट से अपने के आवे के परी या एगो खेमा से अपने के आवे के परी अभी तक वैसा कोनो चीज क्लियर नहीं के कि दीपेंद्र चौहान महानगर के अध्यक्ष की उम्मीदवारी तो अपने दे रहा बनी लेकिन अपने कौन गुट से दे रहा बनी वो जाने के चाहता जनता अपने कौन गुट से आ रहा बनी कि अपने सबके साझा उम्मीदवार बनी बिल्कुल जो अपने जो कहानी है साझा उम्मीदवार बनी गुट टू गुट देखिए अब एक जीवन माने इंस्टीट्यूशन जो बात संस्था में तो गुट टू गुट कौन बड़का बात कहानी बड़े गुट तो अपने के ना रहे तो तानाशाही वहां सिस्टम हावी हो जाए हावी हो जाए तो गुट टू गुट जो बा प्रोग्रेस के निमित्त उन्नति के निमित्त प्रगति के निमित्त हो चाहिए गुट टू गुट जी जी तो यहाँ तो गुट टू गुट में ला के ये करके मैंने जो सिद्धियावे की खेल बा अपने के पार्टी में हर एक निर्वाचन में ये देखते आई बा कथी कहे बड़ा दुख के साथ कहे के पड़ता है मनोज जी अब राम बहादुर अमाते जैसा आदमी के लोग चुनाव हरा होता चौरसिया जी के अपन भाई भतीजा हमने के अजय चौरसिया जी के जनहनो लड़ता रही वो जीता तारी है उनका सारा पर परिवार के लोग लड़ता नेता लोग के अपन भाई भतीजा मेहरारू से फुर्सते नहीं के बाकी और ईमानदार कार्यकर्ता लोग कहा अथी बारे तो ई प्रवृत्ति के स्ट्रांगली जी जी अपोज करे खातिर रोके खतरा जो सक्षम बा जो योग्य बा वो आओ जगह पर
हम नेताजी के बेटा है, नेताजी के मेहरारू है, नेताजी के सार लागे नहीं तो हम आगे कहीं बैठ जाए काबिल हो जाए युग काबिल आदमी सब साइड बने। अपने ही कहे के चाहता नहीं कि नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय महाधिवेशन में जो सिनारियो देखल गए उस सिनारियो पर्सा जिला में देखी कुछ ऐसा आदमी भी याद है जो की गुट उपगुट से ना बाहर से चर्चित व्यक्तित्व या चर्चित चेहरा या अपने ही कहे के चाहता नहीं की अच्छा व्यक्तित्व के नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व लेवल नेता के आशीर्वाद के जरूरी नहीं है। अब देखिए आशीर्वाद वाला प्रचलन अब इक्कीसो शताब्दी में हमने के बाणी सुन आशीर्वाद वाला जो बाटे नेता लोग के आशीर्वाद चाहिए भी कोनो दुमत के बात नहीं की देखिए अब आशीर्वाद लेवे के प्रयत्न अपने कर सकते हैं जी जी है कि ना। अब जे कदर बनिया व्यापारी लोग बा आए बड़ी सिस्टम जो आई बार रुपया 2 करोड़ 4 करोड़ दे के एक बार सभासद बन जाता लोग है जे जी जी आगे इंस्टीट्यूशन जो बनावल बाटे अपने समानुपातिक चाहे कुछ दबल पिछड़ल है कि ना योगी प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सामाजिक माने भूमिका निर्वाह करे वाला आदमी सब खातिर नु बा अब ओकरा के विकृति के रूप में अब ओकरा से पैसा लेके ओकरा के बना तलो गेम कि आ ए कि बड़का भारी दलाल बन जाता रसन जान के सारा चीज करता जी जी विकृति भी बाटे तो हटी कहिया। लेकिन एकरा के हमनी ऐसे व्याख्या करी ने कि नेता के आशीर्वाद से भी ज्यादा नया पूछता है या अपने लोग ऐसा आदमी नया नेतृत्व लेवे के पार्टी के सुधार करे के जो लोग चाह रहा था उन लोग के सीनियर नेता लोग के सहयोग तो चाहिए मुझे दीपेंद्र सर ना चाहिए हम तो कहते मानी बात बाटे तो अपने के वही बराम निवेदन के लिए चाहिए नेता लोग के आशीर्वाद ठीक बा माने अब नेता लोग आशीर्वाद ना दी तो कार्यकर्ता जे बाटे नेते लोग जाई के उ लोग के गुलाम बा लोग हैं भरवा चरवा बा बधुआ मजदूर देखा देला लोग एक नंबर क्षेत्र के निर्वाचन में जे जकरा कार्यकर्ता चला कर दिन गुत्ता जितल के नहीं नेता को आशीर्वाद थोड़े रहे सारा लोगे जब पलट के जब बढ़ जा दिलक अपने दिल लगे दौलत उदाहरण बाकी ना जी 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 है वो अभी महाधिवेशन में अपने देखे विश्व प्रकाश शर्मा जी एकदम नया नया जिला के भी फसा जिला के भी नेतृत्व में नया नया लोग आए बा सभापति क्षेत्रीय सभापति में भी लोग हां एकदम आए बा लोग ओइबे करी अब युग परिवर्तन की तरफ जा रहा बा अब दास मनस्थिति से जे वान हूं नेता लोग के एटी करे करे ना तो हैट्रिक करे में 2-3 बार तो चिकन हुई मिल वाल होगा फिर वही लोग लड़े के चाहता लोग कि नहीं माने 25 वर्ष दिन से अपने देख रहा होगा स्थिति अवस्था पर जाने लगे हैं जी। एक और बात हम जोर देने के चाहते नहीं है अपनी की इतना बड़का प्रोफाइल बा हम शुरू में भी बताई नहीं अपने नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन प्रतिनिधि भी पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुका था प्रोफाइल अपने के बहुत बड़का बा दीपेंद्र चौहान के पार्टी पंक्ति में योगदान चाहे पत्रकारिता से योगदान हो को चाहे कलम से योगदान हो के चाहे पार्टी के अन्य गतिविधि में अपने की योगदान बा फिर भी दीपेंद्र चौहान ऐसा चर्चित आदमी के जीते में बहुत कसक हो रहा अपने बहुत टेंशन में बानी कह के हमनी के बाजार में हल्ला बा ये बात में कितना सत्यता बा ना ना देखिए टेंशन कथी अब ये कार्यकर्ता के देखिए अब जनता जनार्दन जी जी ये कार्यकर्ता के निर्णय हो तो माने के स्वीकार करे के पड़े मने अपने मने बोला ना जो बिलाई के गेट में घंटी के बानी जी जी जगी ना तो गुलाम प्रवृत्ति से अपने कितना दिन में कॉम्प्रोमाइज करें जी जी पहले हम अपने के निवेदन कोई नहीं है कि जो नेता लोग के जो मनस्थिति जो बाजे पहले अपने घरवा में पहले हो जाओ मेहरारू के मिल जाओ और बाल बच्चा के मिल जाओ सार सारिन के मिल जाओ कार्यकर्ता तो बहुत कॉर्नर में बा जी जी है कि ना तो ये जो छटपटाहट जो बेचैनी जो देख रहा बानी नेता लोग ने जी जी ये परिवर्तन अब खोज रहा बा का जनता कार्यकर्ता भी खोज रहा बा परिवर्तन अपने से और नेता लोग के टेंशन हो गई बा और अपने इंगित ये करे के चाहता नहीं कि हमने ऐसा आदमी आए बिहार पार्टी में अच्छा तरीके से काम करी कह के अपने एगो इंगित करे के चाहता नहीं कि अन्य नेता लोग के छटपटाहट हो गई बा दीपेंद्र चौहान के उम्मीदवारी से। अब छटपटाहट तो कुछ लोग के तो जरूर बा देखिए अब का बाजे जेकरा टिकट बेचे के बा ना समझ जेकरा मुखिया के टिकट बेचे के बा पैसा लेवे के बा अपना अपना आदमी के बेटी करे के बा उसे टाइप के आदमी के कुछ मने छटपटाहट बा आ जो योगी ईमानदार जो बड़ा संकर करता है देखू बहुत नेपाली कांग्रेस में अब अपने प्रोफाइल के जो बात कही है तो यहाँ बहुत नेता लोग कांग्रेस में भीतर खुना में घुस पड़ रहे लोग आ हमारे इधर पुलिस का थी पुलिस तो खैर कितना बातें छोड़ी सेनो मैंने ले जाके हमारे के टॉर्चर करे सारा मीडिया में आई चीज यहाँ आदमी धराई पकड़ाई काठमांडू में धराई पकड़ाई अपने के मीडिया के ट्रांसमीटर उसे उठा के ले गए रहे हाँ तो ये बात हमने बताई है सेना लोग हमने बताया था सेना जब जे बा वो दिन जब राजा कुक कोइलन तो हमने के सेना के केवर आके सीधे हड़ाई ले ऊपर घुस गए रेडियो बिगन में ओकर संचालक रहनी ओकर सीधे घुस गए हड़ाई ले सेना
खोल के ट्रांसमीटर ले गए, एते वो रीजन के रेडियो रहे, रेडियो बंद हो गई, टेलीफोन कट गई, लोग आए जो भाई रेडियो कहानी के बाजत, रेडियो कहानी के बाजत, और बाद में बीबीसी वाला हमारा फोन कर पूछल जो रेडियो बिजन का बंद बांध करी नेपाली सेना जो बात ले चल गई एगो क्षेत्र के जनता के मनोरंजन और समाचार के जो माध्यम रहे बंद हो गई कम्युनिटर व्यू देनी, और बाद में सेना के बैरक से हमारा फोन आई कि यार ट्रांसमीटर ले जानु, तो आदमी तो खैर आदमी के इतनी फरक पड़ा जिस खोले लानु थी तेरी आर फिट कर जाने कहके बाद में सेना आके सेंसिटिव चीज हो ट्रांसमीटर कि ना ले जाके तू फाड़ के ले जाके कही देती कहियो तब कहा से ले अपना 10 लाख 20 लाख रुपया कहके तब मान गड़बड़ ना रहे बेचारा आके सबके जिन्हें ले गई रहे वही आके ले आके बस के घटना सत्य जी। अंत में हमने के छलफल के अंत में एगो जिज्ञासा हम अपने के रख लेवे के चाहता नहीं, अब पर्सा जिला के जो नया नेतृत्व सोरगते जिला के भी नया नेतृत्व आ रहा है, जिला के नेतृत्व से पहले अपने लोग के महानगर के भी 5-7 जने लोग के नाम सुन रहा बनी, महानगर के अध्यक्ष के भी दावेदारी अपने के बाद, अभी महानगर के नेतृत्व और जिला के जो नया नेतृत्व आ रहा बा, नेपाली कांग्रेस पर्सा जिला में गुट उपगुट से भी ज्यादा अपने नेता के हरावे वाला प्रवृत्ति जो बाकर अंत होकी कि ना होकी, नया नेतृत्व देवे सकी कि ना सकी, और दूसरका प्रश्न अपने के सूर्य गति के जवन जिला नेतृत्व के जवन निर्वाचन बा अधिवेशन बा नया नेतृत्व के उसे पहले अपने लोग के पड़ गई बा, तो सूर्य गति वाला 14 गति के प्रभाव कितना पार रहा बा? मॉर्निंग टू द डे इज कॉलर जी, जो बिहार नगर के होके वाला निर्वाचन बा जी जी, जिला के निर्वाचन तय करे कि अध्यक्ष कौन बनी, कौन अध्यक्ष बनी करके पकटवा से डेली डेली निकालत मालूम ना, अब वो स्थिति अवस्था में क्या मतलब बहुत परिवर्तन हो चुकल बा, आ बहुत कार्यकर्ता जो बा नेपाली कांग्रेस के बहुत झूठा मुद्दा से लेके सारा चीज में उली के सरकार में जो बा बहुत धैले बा हम भोगत नहीं सब ओवरा मैंने का होत रहे का दिन रात समाचार की खेती बा सवेरे से उठे से लेके मैंने सांस के सुते तरह कौन दूसरा कर्म होता है, ये सब प्रवृत्ति के अंत बहुत जरूरी बा। हम अपने के लोकप्रिय संचार माध्यम से ही अनुरोध जरूर करेंगे हम आम मान जो देखत हुई वोटर लोग से अच्छा जो छलपल देखत हुई जो अपने लोग विवेक प्रयोग करें जो योग्य ईमानदार जो बा अपने के नजर में वोट करें कोनो किस्म के दबाव प्रभाव में मत लागे पैसा कौड़ी के मामला में अपने पर के वोट वोट मत डाइवर्ट करी न तो अपने लोग पछताए दूसर कथी कर निर्णय अपने स्वयं करी पैसा के भी कुछ खोला बग रहा बा बात आई है ये नहीं अब का बात उम्मीदवारी दिला के बाद में विभिन्न किस्म के बात तो कर लगे कहाँ बाहर पैसा कौड़ी है नहीं होने अब जब संपत्ति के मामला में कहें तो केकर कितना संपत्ति रहे अपने रिकॉर्ड खोज जाए तो 50 वर्ष के रिकॉर्ड तो अपने मालकत में मिले जाए है ना कौन एक बार वैसा का अथी वाला घर के आदमी हम ना है 50 वर्ष पुराने हमने के माने भारत और पंजाब में जाए तो पुराने घर माने अपने के पकाए घर है उन्हें तो 50 वर्ष पुराने वो मनियो के माने बात कुछ नहीं करिए मगर वो तो अपन आत्मा अलाउ करे परम हमारे पैसा देखे वोट की नहीं जौन प्रवृत्ति के विरुद्ध हम लड़ते तो कहेंगे अब रहल सवाल की जो वोट मांगे आदमी जाता गाँव देहात में एने ओने जो अपना संगे बा तो अपन तो नॉमिनल जो खर्चा बात एक्सपीरियंस तो होबे करी अब पैसा वाला कुछ लोग नेता लोग बा कुछ लोग दलाल प्रवृत्ति के कुछ ठग ठाक आय बड़सन चोर बेमान टाइप के व्यापारी कालू कुछ ना रहे आज पैसा नेता सन के चाकरी उकरी कर इंटरनेशनल नेशनल दलाल के रूप में स्थापित हो गए बड़सन ओकनी के पैसा के रूप में खोला पकड़े सन ना एक नंबर क्षेत्र के निर्वाचन में कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब दिल वही तरह रिजल्ट मिली नहीं अपने के देखा ना जाए पैसा ठीक बा पैसा एगो साथ दे मैंने सब कुछ तो ना हुआ जी। दीपेंद्र सर हम अपने के ही लगी छलफल में रोकम हमने के बहुत अच्छा छलफल होते रहा और जिज्ञासा रहा लेकिन समय अभाव के कारण हम अपने के और बात ना ले सकली है। बहुत लोग ये भी कहता कि पत्रकारिता के माध्यम से ही अपने नेपाली कांग्रेस की सेवा कर सकता नहीं, अब अंत में जाते जाते कहीं अपने छलफल देख रहा लोग के कि अब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व संभाले खातिर अपने सक्षम बानी कि ना बानी। अब देखिए एगो बात अपने को बता दें 2 मिनट अपने समय ले
मैंने एक दिन के बात है कि हमारे बेटा के ऑपरेशन करा कर हम जाते रहने एयरपोर्ट देख लीजिए एयरपोर्ट में बहुत लोग बाल हो वही में जरना कर जो मुखिया जी बेटा जी हमने जाली मुखिया तो कहत रंग कहा कि जे हो पत्रकार जी अब तो हमी के अबल वन राजनीति करे तो हमी के राजनीति करे वाला लोग कहाँ जाओ उनकर पार्टी के बहुत आदमी लोग रहे होते हैं बैठा सब के तो हम कहने अच्छा ही बताई नेताजी जे हमने के नेपाली कांग्रेस के जहाँ तक बात बार अपने मनो जी हो हम फिर जोड़ेंगे ये नेपाली कांग्रेस के सभापति नेपाली कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हमने के नेपाली नेपाल पत्रकार महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपाल पत्रकार महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हों यो बात ना भूले के उ पार्टी के चला ऐसा कार्यकर्ता बनी राजनीतिक में पत्रकार लोग भी सक्षम बात नहीं तो हम कहानी दीजिए जरा ये बतावल जाओ ये ठेकेदार आओ तो सारा ठेकेदार खुशी मनाता कि ये ठेकेदार ही राजनीति में प्रवेश कर लो अभी ना माने कहीं कोनो से डॉक्टर कोनो से इंजीनियर कहीं कोनो से माने बौद्धिक सेक्टर के लोग आता तो इतना छटपटा तक बेचैनी का है हम तो कहे अपने जगह संचार माध्यम के थ्रू कि जोन माने बताई ना देश के चलाए वाला जो नीति है मूल नीति राजनीति तो राजनीति में युवा विद्यार्थी के प्रवेश काहे ना होगी कितना दिन तक ले पूर्वक चपाट ई सब आदमी के झोरा ढोल दिए अपने जो मैंने बिहार डॉक्टर बना के बाद इंजीनियर नियुक्त करे बात शिक्षा मंत्री जो बात हम 10 लाख पास लेते रह मैंने वैसा नहीं सुन प्रवृत्ति के दुनिया से कटरा तो विस्थापित करेगा तब तो अभी के यूथ सर के भी तावत बौद्धिक जमात के आवाज जरूर बौद्धिक जमात के आवाज पर बौद्धिक जमात आवाज आने तो कुछ एक टाइप के जो टीचर जो बाढ़ सर जो अपने के बुझा तरह सुन कीजिए हमने के रहती हमने के बाप दादा के मैंने कंपनी बना देने वाली से लेकर के ओगनी के मैंने छटपटाहट बढ़ जाता सब जगह देख रहा हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमने के छलफल में अपने सहभागी बहनी और हमारी चर्चित संचार माध्यम में अपन जिज्ञासा और खास करके नेपाली कांग्रेस के पर्सा जिला के अधिवेशन महानगर के 14 गते और 16 गते हो रहा था ये दोनों अधिवेशन में अपने लोग के पूर्ण सफलता के हम कामना करते हैं हमारे समय उपलब्ध कराई अपने के बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम अपने के समूह के टीम के सबके ऊपर हम धन्यवाद देवे के चाहे कि हमारे अपन बात जेबा जनता के बीच में ले जाए खातिर अपने मनोभाव का मौका देनी ये खातिर हम हृदय से अपने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद धन्यवाद और तमाम हमने के दर्शक महानुभाव लोग के आमने सामने के बहुत अभी तक सुन देनी है एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद एक के अपने हमने के नेपाल पोस्ट डेली के ऑफिशियल फेसबुक जो पेज बा नेपाल पोस्ट facebook.com/nepalpostdaily में अपने आके देख सकता नहीं यूट्यूब चैनल नेपाल पोस्ट डेली में भी आके एक सर्च कर सकता नहीं और नेपाल पोस्ट डेली पत्रिका और हमने के गूगल में जो nepalpostdaily.com बा वहां भी आके अपने छलफल के पढ़ सकता नहीं संक्षिप्त रूप में और पूरा वीडियो अगर अपने देखे के चाहता नहीं तो फेसबुक पर आई और हमने के यूट्यूब चैनल पर आई कहकर हम कह आज के खतरा ये वीडियो उत्पादन करे में सहयोग करे वाला हमारे मित्र संतोष जी के और नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के चुनाव में दौड़ाहा में रहल नेपाली कांग्रेस के नेता दीपेंद्र चौहान जी के भी धन्यवाद देहब हम विदा चाहें नमस्कार प्रणाम।